ज्ञानो डबा जो आज लोगों की जिंदगी बदल रही है। कबीर ने बोला ज्ञानो डबा लोगों की जिंदगी बदल रही है, एंड इट इज ट्रू, वेरी मच ट्रू। आने वाले टाइम में बिस्तर पे पड़ जाऊंगा, बट आई वॉज नॉट वरीड। जिसका कोई हल ही नहीं है उसके बारे में चिंता क्यों करनी, वाई वरी अबाउट दैट, जिसका सोल्यूशन नहीं है। उस मीटिंग में जब इस ज्ञानोडमा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, आई टुक इंटरेस्ट, इसके बारे में बहुत पढ़ा। बिना जानकारी हासिल किए हुए मैंने ये, कैन यू गिव मी दोस कैप्सूल्स, जब उस मीटिंग में बताया गया कि एक औरत को 5 साल से गठिया था, उन्होंने ये RGGL के कैप्सूल खाए और कुछ महीनों में चलने लगी, बहुत हैरान हुआ, ये सुन के बहुत हैरान हुआ। बट आई थिंक आई डिड ए वाइज थिंग दैट डे के इस बात को रिजेक्ट नहीं किया। नॉर्मली क्या देखते हैं एलोपैथिक लोग, कुछ आज भी, आज इतना एक्सपीरियंस हो गया उसके बावजूद, एलोपैथिक डॉक्टर्स हर्बल में विश्वास नहीं करते। बट मैंने शायद यही एक वाइज डिसीजन लिया कि मैंने उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं किया, ये नहीं कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया। वो स्पीकर जो उस मीटिंग में बोल रहे थे, उनको मैंने यही कहा कि मेरे को कुछ पढ़ने के लिए दीजिए, लिटरेचर दीजिए, गिव मी इंफॉर्मेशन। उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन दी, कुछ दिन पढ़ता रहा, वेबसाइट, बुक्स, लिटरेचर्स, और 6-7 दिन 8 दिन सब स्टडी करने के बाद मेरे को यह नहीं समझ आई कि इससे गठिया कैसे ठीक होगा, यह नहीं समझ आया। लेकिन एक बात समझ आ गई, पूरी तसल्ली कर ली एक बात पे, कि अगर मैं ये RGGL के कैप्सूल खाना शुरू करूं, ये मेरे को कोई नुकसान नहीं करेंगे। बस सिर्फ ये चीज समझ आई कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। विल टॉक द क्वेश्चन लेटर ऑन। सिर्फ ये बात पे तसल्ली की कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ये सोच के 14 जनवरी 2002 जो DXN का एक सिस्टम है, कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, फॉर्म भरना पड़ता है, मैंने भी अपना फॉर्म भरा और ये कैप्सूल RGGL खाने शुरू किए। भगवान का नाम लिया सबसे पहले और इस पर विश्वास किया, फेथ। कहते हैं विश्वास बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग कहते हैं फलां डॉक्टर, उस डॉक्टर पे हमको इतना विश्वास है, वो मिट्टी की पुड़ी भी देगा तो ठीक हो जाएंगे। विश्वास, इस पे विश्वास किया। और तीसरा, आई गेव ए मैसेज टू माई माइंड कि मुझे अपाहिज नहीं होना, मुझे ठीक होना है। क्योंकि ये भी मैंने कहीं से सुना था, सीखा था कि अगर इंसान का जिंदगी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो 30% प्रॉब्लम उसी से ठीक हो जाती है। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये 3 काम करके ये कैप्सूल खाने शुरू किए, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि जब कुछ हफ्तों में, जस्ट ए फ्यू वीक्स, ये मेरे जॉइंट्स काम करने लगे, नॉर्मल चलने लगा, फिर मुझे लगा कि वाकई ये लोगों की जिंदगी बदलती है। उसके बाद इसके बारे में लोगों से बात करनी शुरू की, क्योंकि लगा इसमें बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। क्योंकि 30 साल की एलोपैथिक प्रैक्टिस में तो यही लगा था कि अगर डायबिटीज है तो सारी उम्र टीके लगते रहेंगे या गोलियां खाते रहेंगे, उससे शुगर का लेवल तो ठीक रहेगा पर आने वाले टाइम में गुर्दे फेल हो जाएंगे, आने वाले टाइम में आंखें खराब हो जाएंगी, आने वाले टाइम में पैर में, नाड़ियों में कोई प्रॉब्लम होगी, किसी के पैर कट भी जाएंगे, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो चाहे वो अस्थमा का अटैक हो, टीका लग के ठीक हो जाएगा लेकिन आने से रुकेगा नहीं। इसमें, इस प्रोडक्ट में ये नजर आया कि शायद प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो सकती है। उस समय तो ये था शायद, क्योंकि उस समय मेरे सामने मेरा अपना ही रिजल्ट था और कोई रिजल्ट नहीं था। तो लोगों से मैंने बोलना शुरू किया, पेशेंट तो मेरे पास आते ही थे, क्रॉनिक पेशेंट्स, उनको बोलना शुरू किया कि आपको शुगर है, डायबिटीज है, ये RGGL खाओ, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, RGGL खाओ, गुर्दे की प्रॉब्लम है, RGGL खाओ, चमड़ी की प्रॉब्लम है, RGGL खाओ, गठिया है, RGGL खाओ, कैंसर है, RGGL खाओ, हाई ब्लड प्रेशर है, RGGL खाओ,
लो ब्लड प्रेशर है, आरजीजीएल खाओ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था, बहुत मजाक उड़ाया जाता था मेरा, बहुत लोग ताने देते थे मेरे को, और कई तो मेरे दोस्त डॉक्टर्स उन्होंने तो मेरे को ये भी कह दिया कि यार पुराना हम सुनते हैं आदमी सठिया जाता है, पर अभी तो तुम्हारी वो उम्र हुई नहीं, ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लग गए कि एक ही प्रोडक्ट सबको ठीक कर सकती है, एक ही दवाई सबको ठीक कर सकती है। तो मैं उनको यही बात बोलता था कि आपके समझने में यही कमी है कि ये दवाई है, ये दवाई नहीं है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि ये दवाई नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने विश्वास करना शुरू किया क्योंकि कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस से बोलता था, बिकॉज आई हैड अंडरस्टूड दिस प्रोडक्ट, विश्वास के साथ बोलता था, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था। धीरे धीरे लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों की प्रॉब्लम ठीक होने लगी, उन्होंने और आगे लोगों को बोलना शुरू किया, वो ठीक होते गए, और इस तरह करते करते ये लगभग 3.25 का सफल गुजर गया। और इन 3.25 सालों में जो सेटिस्फेक्शन मिली है, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, वो पहले 30 साल में नहीं मिली थी। आई एम सेइंग दिस विद कॉन्फिडेंस। अभी जस्ट अबाउट 1.5 मंथ्स बैक, 1.5 महीना पहले, हरियाणा में एक जगह है असंध, वहां से एक पेशेंट आया मेरे पास, लगभग 41-42 साल का आदमी। उनको क्या प्रॉब्लम थी, पिछले लगभग 12-13 साल से बाईं टांग में खून की नाड़ी ब्लॉक थी, इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं, इफ द एनी डॉक्टर्स आर हियर, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, लगभग 11-12 साल से, और उसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं, वीनस अल्सर्स। उस आदमी को पैर में टांग में जख्म हो गई 1996 में, 1996 टांग के एक तो लोअर लेग फ्रंट में एक छोटा जख्म हुआ और टखने के अंदर की साइड में बाहर की साइड पे 3 जख्म हो गए। पहले लोकल उसके आसपास के छोटे मोटे डॉक्टरों की ट्रीटमेंट चलती रही, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए, रोहतक मेडिकल कॉलेज में गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में आए, PGI चंडीगढ़ में गए। 9 साल तक उन अल्सर्स का ट्रीटमेंट होता रहा, पर वो अल्सर बढ़ता चला गया, और अभी जनवरी में 2 महीने पहले उनको बोला गया था एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, टांग काटनी पड़ेगी, और वो कटवाने को तैयार हो गए कि 9 साल से तो देख रहे हैं कोई हल नहीं हो रहा, एम्पुटेशन के तैयार हो गए। फरवरी में उनकी एम्पुटेशन होनी थी। उनके एक रिश्तेदार हैं पटियाला में रहते, एक डॉक्टर हैं, वो भी मेडिकल ऑफिसर है पंजाब में, मेरे को जानते हैं, दोस्त हैं, उन्होंने उनको बोला कि टांग कटवाने से पहले एक बार आप पटियाला आ जाओ, जस्ट कम वंस। वो मेरे पास आए 1.5 महीना पहले, और जब उनकी जो पट्टियां बंधी हुई थी, जो पट्टियां खोली, जो टांग के नीचे जख्म था लगभग 3-3.5 इंच का, उसमें हड्डी नजर आ रही थी, कोई टिश्यू नहीं था, टीबिया वॉज क्लियरली विजिबल, नो टिश्यू, बिल्कुल मांस नहीं था उसमें, और टखने की अंदर की साइड में, बाहर की साइड में नर्व्स एंड टेंडन्स आर विजिबल, नाड़ियां नजर आ रही थी, कोई टिश्यू नहीं था। जब पट्टी खोली तो वो मेरे से पूछने लगे, वो डॉक्टर, हाँ जी, इसका क्या हो सकता है? आई टोल्ड हिम, एक मिनट रुको, मैं घर गया, पहले जाके अपना कैमरा उठा के लाया, फोटो ली उनकी। वो डॉक्टर साहब नाराज हो गए कि मैं तो आपको मरीज देखने के लाया हूँ और आप अपनी फोटोग्राफी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता था कि फोटोग्राफी मेरी हॉबी है, क्या आपने फोटोग्राफी शुरू कर दी? मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, ये बात ये है कि आई एम कॉन्फिडेंट ये ठीक हो जाएगा, और जब ये ठीक हो जाएगा, चमड़ी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी, और लोगों को बताएंगे ऐसी हालत थी, लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए फोटो ली। और उसके बाद उनकी ड्रेसिंग की, ये RG का कैप्सूल, ये खोल के इसके 5-6 कैप्सूल, उसके ऊपर पाउडर डाला जख्मों के ऊपर, और उनको खाने के लिए, दोनों कैप्सूल खाने के लिए भी बताया, और उनको बोला कि मेरे को 15 दिन के बाद आके दिखा के जाइएगा, ये रोज इस तरह से ड्रेसिंग करिए, इसके साथ ड्रेसिंग करिए रोज। 15 दिन के बाद वो आए, उनका तीनों जख्मों में टिश्यू लगभग 25% ग्रो हो गया था इन 15 डेज। फिर से ड्रेसिंग की, और उनको बोला इसके साथ ड्रेसिंग जारी रखो, नो एंटीबायोटिक्स, आई स्टॉप्ड ऑल एंटीबायोटिक्स, ओनली एक्सेप्टेलिन टैबलेट होती है ना हिमालय ड्रग कंपनी की, सिर्फ वो दी, सब एंटीबायोटिक सारे बंद करी। ही हैड बीन टेकिंग सो मेनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स,